नौकरी नहीं मिली। हम रेलवे के अधिकारियों से लेकर सांसद विधायक के दावे पर खड़ा चले। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन उग्र आंदोलन में बदल सकता है। रेलवे ने जमीन ले ली लेकिन नौकरी नहीं दी। हमने सभी को ज्ञापन सौंपा, सभी के दरवाजे खटखटाए, लेकिन कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। रेलवे के बड़े अधिकारी से लेकर सांसद विधायक सबके दरवाजे पर हम पहुंचे, लेकिन वोट तो सबने लिया, हमारी बात किसी ने नहीं उठाई। आज हम ज्ञापन देने आए हैं, हमारी मांग जल्द ना पूरी की गई तो शांतिपूर्ण आंदोलन उग्र आंदोलन में भी बदल सकता है। रीवा के कमिश्नर कार्यालय में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने आए रेलवे से पीड़ित लोगों से हमने बात की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने हमें क्या कुछ बताया। उनका साफ तौर से कहना था, हमारी जमीन ले ली, वादा किया था नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी नहीं दी। अगर नौकरी नहीं दी तो हम निश्चित रूप से अपने शांतिपूर्ण आंदोलन को उग्र आंदोलन में भी बदल सकते हैं। सुनिए ज्ञापन देने आए लोगों ने हमसे क्या कुछ कहा। क्यों एक्चुअल में ऐसा हुआ था कि 2016 में हमारी जमीन अधिग्रहण की गई थी, 2017 में मुआवजा मिला, हमारा फॉर्म जमा किया गया था, 2017 के बाद हमारा मेडिकल भी हुआ। आज से 3 साल हो गए मेडिकल हुए, हमें नौकरी के लिए हम परेशान हो गए, जबलपुर भी जा रहे हैं, वहाँ जीआरएन भी जा रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा। अब हम लोग परेशान हो चुके हैं, इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो भी हो हमारा निर्णय थोड़ा जल्दी हो, क्योंकि अभी हम साधारण से हैं, फिर बाकी हम अग्रण। काफ़ी दिनों से आप रेलवे के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आप लोगों की मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, तो आज यहां पर क्यों और आगे की क्या रणनीति है? लगातार आप देख रहे हैं रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन और सतना पन्ना रेल लाइन के विस्थापित किसान परिवार की आवाज़ उठाते रहे, वहीं सतना से रीवा लिंक परियोजना के लिए। अब रीवा से सीधी सिंगरौली रेल लाइन का भूमि पूजन माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। आप सोचिए इतने दिन बीत गए हैं, किसान के बच्चे विस्थापित हुए, उनको रोजगार नहीं हुआ, रेलवे के महाप्रबंधक रीवा आए, उनका घेराव किया, उसके बाद वेबसाइट में अपलोड की गई कि मेडिकल परीक्षण और नियुक्ति सारी डेटे नियुक्त कर दी, मैंने एक वेबसाइट में अपलोड कर दी गई। हमारे कुछ किसान विस्थापित किसान परिवार के बच्चों को रोजगार मिला, लेकिन अभी सबको रीवा सीधी सिंगरौली पन्ना छतरपुर तक के बच्चों को रोजगार नहीं मिला। वहीं रीवा से सतना दोहरीकरण जो हो रही है उसमें भी रोजगार नहीं मिला। तो उस इन सब मामलों को लेके आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, माननीय राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री, रेल राज्य मंत्री, हमारे जितने सांसद हैं, सतना संसद, सीधी संसद, खजुराहो संसद और रीवा संसद, और माननीय विधायक रीवा सीधी सिंगरौली और सतना पन्ना रेल लाइन से जितने भी गांव प्रभावित हैं, वहां के सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और सभी माननीय विधायकों को आज हम लोग यहां पे धरने के माध्यम से ज्ञापन सौंपे हैं। रीवा से गोविंदगढ़ की भी तैयारी लगभग पूरी है, तो क्या उस लाइन के लोगों के लिए भी आप आवाज उठा रहे हैं? हाँ, हम पूरी रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन की बात कर रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से माननीय रीवा विधायक से और जितने भी सांसद हैं उन सबसे हम ये मांग करते हैं। देखिए, किसानों के जमीन गई है, उनकी भूमि का अधिग्रहण हुआ, उनके बच्चे बेरोजगार हुए हैं, उनके मामले उठाइए। हमारे यहाँ के सांसद, कुछ सांसद हैं जो लोकसभा में मुद्दे उठाते हैं, कुछ सांसद लोकसभा में नहीं बोलते, और हमारे माननीय विधायक, अगर किसी विधायक ने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया हो तो वो बतलाएं। हम अपने माननीय सभी विधायकों से मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम बच्चों के रोजगार की समस्या को सुलझाइए, नहीं रेल नहीं चलने दी जाएगी। और हम किसान अभी गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, अगर वो सोचते हैं तो हम लोग सुभाष चंद्र बोस के भी वंशज हैं, माने औलाद हैं और भारतवासी हैं, वो भी कर दिखाएंगे। निश्चित रूप से, जैसा कि अभी इनने कहा, हम पूरी रेल लाइन की बात कर रहे हैं, सीधी सिंगरौली की नहीं। जहाँ भी ये रेल लाइन की बात है, मुआवजे की बात है, मुआवजा नहीं चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए, युवाओं को रोज़गार चाहिए। अगर शांतिपूर्ण तरीके से रोज़गार नहीं मिला तो हमारा आंदोलन उग्र भी हो सकता है, हमारे जीवन का सवाल है।